दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सीएम केजरीवाल को अरेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल का मोबाइल ले लिया गया है। घर के बाहर भारी पुलिस बलों की तैनाती है और रैपिड एक्शन फोर्स को केजरीवाल के घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 भी लगाई गई है। हालांकि गुरुवार को ही सीएम की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनको गिरफ्तारी से राहत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर तमतमाए हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। पूरी दिल्ली को रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा, ये तानाशाही की जीती जागती एक जीता जागता सबूत है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अब आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर सकते हो, उनके शरीर को गिरफ्तार कर सकते हो, उनकी आवाज को नहीं गिरफ्तार कर सकते हो। आज दिल्ली के अंदर हर एक व्यक्ति, 2 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल बने हैं, आप किस किस को रोकेंगे? ये तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। इस तानाशाही का जवाब इस देश की जनता देगी। ये देश संविधान से चलता है, मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। ये बड़ी अजीब बात है कि आपने एक परिवार के मुखिया को अरेस्ट कर लिया, उनके 2 बच्चे वहां पे हैं, उनकी पत्नी वहां पे हैं, उनके 80-85 साल के बूढ़े माँ बाप हैं वहां पे। अब क्या होगा कि आप तो अरेस्ट करके ले गए, जो उनके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, पार्टी में उनके सिपे सालार हैं, वो कम से कम परिवार के साथ तो बैठ सकते हैं 2 मिनट। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने न्यूनतम मानवीय मूल्यों की हत्या की परिवार के लोगों से अरविंद जी की गिरफ्तारी के बाद भी, उनको ईडी ले गई उसके बाद भी परिवार के लोगों से किसी को मिलने नहीं दिया गया, सब नेताओं को और उनके जानकारों को रोक दिया गया, ये परिवार को सताने का काम किया है, ये टॉर्चर है। आपको सजा अरविंद केजरीवाल को देनी है, आप तो उनको ले जा चुके, अब उनके 80 साल के बूढ़े माँ बाप को आप क्या सजा दे रहे हो? कि उनके साथ कोई ना पहुंच सके, उनको कोई सहानुभूति की 2 बातें ना कह सके, उनको ये लगे कि देखिए हम तो पूरी दुनिया में अकेले हो गए, कोई हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो सब लोग हमसे दूर हो गए, कोई आया तक नहीं मिलने। ये प्रतीत कराना चाहते थे उस परिवार को जिसके बेटे को उठा के ईडी वाले ले गए। जिस तरह से आज अदालत के अंदर मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में, रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जरूरत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यह शुरुआत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने
लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के अंदर दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। आज हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, 1 पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? जब लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ ईडी का ये एक्शन मायने रखता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी होना जमीन पर सभी समीकरणों को बदल सकता है, क्योंकि केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किया है। जैसे हमने कल बताया था कि ये एक सिस्टमैटिक प्लान है, जो हिसाब से छावनी बन चुकी थी अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर, अरविंद केजरीवाल जी को एक नजर बंद करके रखा था, हाउस अरेस्ट करके रखा था, ये संकेत दे रहे थे कि उनको अरेस्ट होगा। ये कुछ नहीं है, एक शर्मनाक बात है, लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि एक नेता जो है, जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, सच्चाई बयां कर रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इस चुनाव में कुछ भी काम ना कर सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना जो काम कर रही है गलत तरीके से वो करते रहे। देखिए, इस तरह से चलते रहेगा ना तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि हर लीडर जो इंडिया अलायंस का है उसके ऊपर कहीं ना कहीं से प्रेशर आ जाए। आज अरविंद केजरीवाल जी, कल कोई और नेता होगा, भारत की जनता को यह समझना पड़ेगा अभी कि ये क्या गलत हो रहा है और ये घातक है, इसलिए इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जो अरेस्ट है वो नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरह से है तो सब नेतागण दूसरे जो भाजपा के हैं वो भी जो गलत करते हैं उनको भी अरेस्ट करिए। क्यों सिर्फ आप इंडिया अलायंस और अपोजिशन को टारगेट करें? क्योंकि तुम्हें डर है, डर इस बात का है कि अगर इंडिया अलायंस मजबूत हो और आगे आए तो तुम नहीं जीत पाओगे, लेकिन ये नहीं होगा। इंडिया अलायंस मजबूत है और अब ये जो हुआ है उसके बाद और मजबूत होगा और डट कर लड़ेंगे। बीजेपी का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को पिक्चर से आउट करने से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की इस साख को भी बढ़ावा मिलेगा। सुनिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने क्या कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपना नारा बना लिया है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई होगी और राहत कोर्ट से नहीं मिलेगी तो भी चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिम हुड का। बुरे काम का तो बुरा ही होगा अंजाम। आपको तो दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोल दी और मधुशाला खोलते खोलते जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया और जब उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई भी ऐसी जिस पर कोर्ट की मुहर लग रही है। आज कोर्ट ने कहा ना कि कोई राहत आपको नहीं दी जा सकती, कल कोर्ट ने कहा ना 9-9 समन क्यों आप स्किप कर रहे हैं, आपको एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा,
फिर भी आप कहते हैं कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। ये जो हालात पैदा हुए हैं, इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा। कल कचहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि अगर आप 9वें समन का आदर करेंगे, तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहां तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं, तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़े, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी करी है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है, और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की सीएम जयललिता, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा को भी ऐसे ही गिरफ्तार किया था। अब उस लिस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।